मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंकुंदात्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम धानम सर्वधर्माणाम जैनम जय तुलसी। मंगलमय मंगल करण राग वे ज्ञान नमो ताहे जाते भये परे हंतादि महा करि मंगल करियो महा दंत पठन के काज जाते मिले समाज सब आऊं निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ये महान ग्रंथ है, बड़ा सुंदर अवसर है। इस समय अपन सब बाहर से तो निवृत्ति लिए हैं और अंतर में प्रवृत्ति कैसे हो उसके लिए जीवन में अपने को पुरुषार्थ करना है। एक एक बात जो भी यहाँ प्रातः काल से रात्रि तक चले अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, अपने को वो बात केवल सुनने की नहीं है, बाहर में याद करने की भी नहीं है। जीवन इस पर्याय का बहुत क्षण मंगोर है और मैं शाश्वत हूँ, शाश्वत हूँ तो अनंत काल तक जीवन बिताना है, और बिताना है तो कैसे बीते। अनादि से जैसा बीता है अनंत अनंत दुख से ऐसे ही बिताना है कि वो दुख को दूर करके सुख को प्रकट करके सुख स्वरूप की दृष्टि ज्ञान आराधना पूर्वक आराध्य दशा को प्राप्त करके बिताना है, ये विचार करने की बात है। ऐसे ही चलाना है क्या, यहाँ से निगोद से निकले नौवे ग्रहवत तक पहुँचे, क्रम क्रम से निकलते हुए नौवे ग्रहवत से गिरे, गिरते गिरते निगोद में, निगोद से चलते चलते नौवे ग्रहवत तक, नौवे ग्रहवत से गिरते गिरते निगोद तक, मतलब क्या निकला। वही नरक के बिल हैं, नरक में जाएं उन्हीं बिलों में जीव घुस जाता है। वही 84 लाख बिल हैं, कोई नए नहीं बने, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। वही स्वर्गों के विमान हैं, वही भवन वासियों के भवन हैं, वही व्यंतरों के हैं, वही ज्योतिषियों के हैं। कोई नए नहीं बनना, बार बार जन्म लेना और उनमें चले जाना और फिर वहाँ से निकलना और नीचे अधोगति को चले जाना, ये बड़े अपने लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। अभी अपना ये जीवन सब प्रकार से अनुकूल मिला है, इसमें कोई कमी नहीं है। बाहर से कमी इसलिए नहीं है कि गति की अपेक्षा अपनी मनुष्य पर्याय है, कुल की अपेक्षा अपना उत्तम जैन कुल है, वीतरागी देश सदगुरु ज्ञानियों का सत्समागम अपने को प्राप्त हुआ है। और यदि कमी है तो केवल ये है कि इस बात को सुनकर के बारंबार इसका विचार अंतर्लक्ष पूर्वक करने का है। यदि अपन ने ये काम किया तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। आइए एक एक बात, मेरा जब भी क्लास में टाइम होगा तो शांति समय एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा और आप जीवन में उन पॉइंट को हजार बार पढ़ेंगे विचारेंगे तो आपके चित्त में ही आएगा कि भूल तो यहाँ हो रही है। हमारा माथा दुखता है, हम मलम लगा लेते हैं, पेट में दर्द होता है, चूरन खा लेते हैं और कैंसर ज्यों का त्यों बना रहता है। वो कैंसर तो बना है, माथा दुखा बेटा मलम देना, अब ठीक है, फिर 10 मिनट बाद मलम देना, मतलब क्या निकला। वो कैंसर का सैंक हो करके वो ठीक हो जाए तो ना मलम की जरूरत है ना चूरन की जरूरत है।
मूल पॉइंट है। ऐसा सुंदर ग्रंथ अपने हाथ में लगाए है भगवान कुनकुंदाचार्य आदि की अमनाएं में लेकर टोडरमल जी साहब मोक्ष मात्र प्रकाशक में सारे जगत के जीवों को अनंत अनंत दुख अनंत काल से चल रहे हैं। उन सारे दुखों का मूल कारण क्या है ये बात अपन 51 पेज पर 2 मिनट केवल पढ़ेंगे। इसके आगे सब बात चलती रही जो भी चलेगी, जब भी ये क्लास सुबह दोपहर जब भी होगी तब ये पॉइंट चलेंगे और इनको ध्यान रखना है और बार बार आपको मुझे अभ्यास करना है। मूल पॉइंट अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो अपना सारा काम ऊपर से निकल जाएगा। जैसे पानी बह जाता है नीचे बैठ नहीं पाता। देखिए कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 51 नंबर के पेज में नीचे का पैराग्राफ, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, ये अपनी प्रैक्टिकल जीवन की बात है जो वाट टोडमल जी कह रहे हैं। 5 इंद्रियां हैं, 4 इंद्री वालों को 4 इंद्री की, 3 इंद्री वालों को 3 इंद्री की, अपन अपनी बात सोचें। 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के विषय हैं, जैसे स्पर्शन इंद्री, उसके स्पर्शन इंद्री के हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कठोर आदि 8 विषय, रसन इंद्री के 5 विषय, घ्राण इंद्री के 2 विषय, चक्षु इंद्री के विषय, ये सारे विषय और इनके विस्तार। आँख खुलते ही ये विषय दिखते हैं, इन विषयों के विस्तार दिखते हैं, इन विस्तार दिखते हैं अनादि से। एक पॉइंट के ऊपर पूरा द्वादशांग है अगर अपने चित्त में बात लेना है तो, और वो ये है कि सारे द्वादशांग में 2 बातें हैं कुल। एक बात तो ये है कि पूरा जो आगम है जिसे हम षटखंडागम से प्रारंभ करना कहते हैं, जिसे हम गोमर सार आदि कहते हैं, उस सारे आगम ने बंद का ज्ञान कराया। बंद को तोड़ने के लिए सारे आगम का एक प्रयोजन है। ये जीव बंधा है कर्मों से, कर्मों के बंधन को तोड़ो तब सुखी होगे, ये समझ लो। बंद का ज्ञान कराया पूरे आगम ने, आगम का प्रयोजन ये है। और दूसरी अवनाएं जो प्रारंभ हुई भगवान कुनकुंद आचार्य की, तो उन्होंने ये देखा कि लोग बड़े घबरा रहे हैं कि कर्म से बंधे हैं, कर्म से बंधे हैं, कर्म से बंधे हैं, ये बंधन कैसे छूटे, ये बंधन कैसे छूटे। तो लोगों को उसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस नहीं मालूम कि बंधन है, ये बात ठीक है लेकिन बंधन में है मेरे में नहीं है, ये बात इनके दिमाग में कैसे आए। बंधन तो है, बंधन कहाँ है कि बंधन में है, कि भूल तो है लेकिन भूल कहाँ है कि भूल भूल में है, मूल में नहीं है। क्या कहा, देखो अच्छी तरह बड़ी मुश्किल में आपका आना, मेरा आना, सबका आना, बहुत समागम बहुत मुश्किल है, ये तो सब बहुत बड़ा अपना सौभाग्य है कि सारा समागम जुड़ जाता है, इस प्रकार की अनुकूलता अपने को मिल जाती है। अब इसको टाला फेरी करके इसको छुट्टी करना कोई अच्छी बात नहीं है। एक बार में छुट्टी हो जाए है क्या तकलीफ क्या है। कोई पैसे की बात हो तो साहब हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम कैसे सुखी हों, तो पैसे कोई जरूरत नहीं है। साहब हमें तो वो निमित्त मिल जाए तो हम सुखी हों, तो निमित्तों से सुख का कोई संबंध नहीं है। साहब हमारी देह में बहुत बीमारी रहती है, हम सुखी कैसे हों, तो बीमारी से दुख सुख का कोई संबंध है नहीं है। देह की बीमारी से क्या दुख सुख का संबंध है। एक पॉइंट हुआ, पूरा आगम जितना भी है, प्रथमान योग का, करणान योग का, चरणान योग का, सब आगम ने बंध का ज्ञान कराया, भैया बंध का नाश करो, मोक्ष मार्ग में लगकर मुक्ति को पाओ। और जब दूसरा श्रुति स्कंद प्रारंभ हुआ
भगवान कुनकुंद आचार्य का, तो उन्होंने निर्बंध स्वरूप की दृष्टि ज्ञान आराधना का उपदेश दिया। तुम बंधन से क्यों डरते हो? बंधन क्यों है? इस निर्बंध स्वरूप को भूलते रहो और बंध से मुक्ति पाओ, ऐसा अनंत काल में कभी नहीं होता। अनंत काल तक तुम बंध का ज्ञान करते रहो, ग्यारह अंग नौ पूर्व तक का ज्ञान कर लो, क्या कसर रह गई? कितनी गोमट सार धवल जय धवल पढ़ोगे, सब याद कंठस्थ तो अनंत बार हो गए। लेकिन निर्बंध स्वरूप की अगर दृष्टि हो जाती, बंध में गुण स्थानों का ज्ञान कराया मुक्ति तक, मिथ्यात् से लेकर अयोग केवली तक, और अध्यात्म में गुणस्थानातीत स्वरूप की दृष्टि ज्ञान आराधना का उपदेश देकर उन गुणस्थानातीत दिशा को प्रकट करने का उपदेश दिया। दो बातें हैं अपने सामने, दोनों का ज्ञान करके और अपना प्रयोजन सिद्ध करना, दो बात हुई। बंध का ज्ञान कराया और निर्बंध स्वरूप को बताया। क्यों बताया? कि बंध होता ही इसलिए है कि निर्बंध स्वरूप की दृष्टि नहीं है। दुनिया में किसी को भी अपना मानते रहो, 24 घंटा कर्म के बंधन से कोई तीन लोक में बच नहीं सकता। एक निर्बंध स्वरूप को भूला रहे और बंध से बच जाए, ऐसा ना हुआ ना होता ना होगा। एक निर्बंध स्वरूप की दृष्टि करे, बहुत लंबा बंध का ज्ञान 14 गुणस्थान के नाम याद ना हो, गुणस्थान अतीत स्वरूप की दृष्टि हो, तो गुणस्थान पार करता हुआ केवल ज्ञान को पाता है। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज मुनि राजों के दृष्टांत सिद्धभूति आदि के हमारे सामने मौजूद हैं। दो पॉइंट हुए। चलो अब ये वस्तु स्थिति का ज्ञान कर लें कि बंध होता कैसे है और बंध मिटता कैसे है, इसकी विधि निर्बंध स्वरूप की दृष्टि ज्ञान करने की बताई। एक दृष्टि ज्ञान आराधना से मिथ्यात् से लेकर योग तक का बंध समाप्त होता है। एक की दृष्टि, एक का ज्ञान और एक की आराधना। उस पॉइंट के ऊपर मेरा जो भी क्लास में चलेगा, तो अनेक बातें और अनेक दृष्टांत मैं आपके सामने रखूंगा। आगे ध्यान दीजिए, चलिए 51 नंबर के पेज में। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, ये क्यों होती है? क्यों होती है ये प्रश्न मत करो। हमें भूख क्यों लगती है? हमें प्यास क्यों लगती है? हमारे देह में रोग क्यों होता है? हमारा बाहर में अपमान क्यों होता है? हमारा दुनिया में बाहर में सम्मान क्यों होता है? हमारा बुढ़ापा क्यों आता है? सब बातें मत करो। लाख बात की एक ही बात है, केवल आत्मा की आराधना का फल। बस आराधना का फल क्या है? तो वेदी में सिमंदर भगवान को देखो। आराधना का फल क्या है? हम और आप बैठे हैं वहां पर्याय में देखो। तो इतनी बात है। एक तरफ आराधना है जिसका फल परमात्मा बता रहे हैं, एक तरफ आराधना है जो हमारे जीवन में अनंत काल, अनंत चौबीसी, अनंत परावर्तन हो गए, अनंत आत्माएं मुक्ति चले गए, हमारे नाती पोते स्त्री पुत्र नाना प्रकार के पड़ोसी रिश्तेदार मुक्ति चले गए। इस मुक्त स्वरूप की दृष्टि आराधना करके आराध दशा को प्राप्त हो गए और हम यहां बैठे हैं। हम उन्हें उपदेश दे रहे थे कि भैया कल्याण करने में लगो, तो वे कल्याण करने में लगे और लग गए, वो कल्याण कर गए, हम यही बैठे हैं। अब ये जीवन टर्न करने की बात है, कोई बाहर के काम नहीं रुकते। बाहर के काम बाहर में होते रहते हैं, क्योंकि बाहर के काम बाहर से होंगे, हमारे से कहां होते हैं? हमें भ्रम होता है कि फिर बाहर के काम कौन करेगा? और जिनवाणी ये कहती है कि बाहर के काम तुम्हें करने की जरूरत क्या है, तुमने आज तक किया क्या है, तुम्हारी मर्यादा कितनी है वो समझ लो, इससे बाहर मत निकलो। ये लाइन खिंची है लक्ष्मण रेखा, इससे एक कदम बाहर निकलने पर पूरी रामायण तैयार होगी। सीता जी की रामायण बनने की जरूरत क्या थी?
रामचंद्र जी के रामायण बनने का काम क्या था? केवल लाइन से बाहर निकलना। अगर लाइन में रहती तो क्यों इतना हरण होता और ये पूरी रामायण तैयार होती? एक त्रिगुण पर्याय में पूरे पदार्थ की सिद्धि करके, शुद्ध नये के विषयभूत द्रव स्वभाव की दृष्टि करके अपने जीवन को सफल करके छुट्टी पाए, इतना काम है। इतने काम के लिए पूरा द्वादशांग है, संक्षिप्त में इतना है, विस्तार में द्वादशांग है, भाई इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पदार्थ की सिद्धि करो द्रवगुण पर्याय से, और प्रयोजन की सिद्धि करो शुद्ध नये के विषय भूत शुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान आराधना से। बस पदार्थ की सिद्धि और प्रयोजन की सिद्धि, दो बात है, तीसरा कोई काम नहीं है। तीसरा हो तो आप बताओ, हमने तो पढ़ा नहीं, 20 साल गुरुदेव के चरणों में रहे, सारा जीवन इसी में लगाए, सारी चिणवाणी एक काम कह रही, भाई थोड़ा सा ज्ञान हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान का ज्यादा बढ़ना क्षोभसम का वो कोई सुख का कारण नहीं। ज्ञान का क्षोभसम बहुत बढ़ता, अरे ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है, ये तो बहुत बड़े ज्ञान है, भाई ज्ञानी के लक्षण ये नहीं है। बाहर लक्षी ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाना वो कोई ज्ञानी का लक्षण नहीं है, और ज्ञान का कम होना वो कोई अज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञान का सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद ज्ञान, भाव ज्ञान प्रकट होना वो ज्ञानी का लक्षण है। अब ज्ञान का क्षोभसम इतना सा हो, और चाहे इतना हो, और चाहे द्वादशांग कितने ही हो कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही हो, आत्मज्ञान है वो ज्ञानी है, भेद ज्ञान है वो ज्ञानी है, भाव ज्ञान है वो ज्ञानी है, वह छुट्टी। अरे ज्ञान तो बढ़ ही नहीं रहा, वो बड़ा परेशान हो रहा है, तत्वा सूत्र याद ही नहीं हो रहा, इन सबको तो याद है अपन याद ही नहीं हो रहा, अपन तो प्राण निकल रहे, साल भर से पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। तो तुम साल भर से क्यों टाइम बेकार कर रहे हो? क्योंकि छो तत्वा सूत्र को इतना ज्ञान चाहिए, कल्पना करो, और मेरे पास इतना ज्ञान है तो आत्मज्ञान तो प्रकट हो जाएगा, जीवन शांतिमय तो हो जाएगा, सूत्र जी याद नहीं होगा, तुम करते रहो आकुलता। और सूत्र जी सब याद हो गए कब? जब तुम्हें भेद विज्ञान जग करके अपना स्वरूप की दृष्टि हो गई, तब वह छुट्टी। थोड़ा सा ज्ञान है तो वो दीनता में दुखी होता है, ज्यादा ज्ञान है वो अहंकार में फूला फूला फिरता है। हमारे पास तो सब याद है, हमें तो सब याद है, दूसरा देखो तो बड़ा परेशान, पंडित जी हमें तो कछु नहीं आए, हमें तो कछु नहीं आए। अरे तुम्हें कछु नहीं आए तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ये आए तो ही सब समझ लो, सब तुम्हारा सौभाग्य खुल गया। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है, अपना सारा काम जल्दी करने का है, क्योंकि टाइम इस पर्याय का कम है, अपना टाइम तो अनंत काल तक है, अनंत काल तक है तो कहां चक्कर में कहीं फंस गए। तो सवाल ये है कि ये समागम इस प्रकार के जिन्हें निमित्त कहा जाता है, ये अनंत काल में कोई गोल्डन चांस एक लॉटरी खुलती है जब ये समागम मिलते हैं? ये ऐसा नहीं है कि चल दिए मनोहर आ गए जयपुर, अरे बहुत पुण्य का उदय चाहिए, तो पुण्य का उदय ला के यहाँ प्रवचन में बैठा देगा, लेकिन अंतर लक्ष्य करेंगे तो प्रसाद बैठा लेंगे। हम बैठने के लिए खाली नहीं आए, बैठ करके बैठा लो और छुट्टी पाओ। अरे भैया बैठा लिया, ओ बच्चा छुट्टी पाओ, अब बैठने की जरूरत नहीं, चलो जयपुर, चलो फलानी जगह, चलो फलानी जगह, अब कहाँ जगह, चलो एक जगह आ गए, एक जगह के लिए सब जगह जा रहे थे, और एक को भूले थे तो सब जगह धक्के खा रहे थे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है भैया, हम तो शांति से चलता है, सोनागिर में महीनों एक एक बार घुटती रहती है, घोटने की बात है, बस बात थोड़ी सी है। जो ऋषियों की इच्छा होती है, और चार प्रकार की कषाय होती है, होती है, होती है, देख लो आप, अनंतान बंदी क्रोध मायन माया लो पूरी कषाय, और बाहरी जो सामग्री है उसमें इसको अनिष्पन हम मानते हैं, क्योंकि अज्ञान के सारे लक्षण हैं ये, कि जो पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा होती रहती है, कषाय होती रहती है, क्यों होती रहती है? क्या कषाय स्वरूप को भूले रहो, ऊपर पदार्थ को इस तरह मानते रहो,
तो कसाय से मुलाकात करते रहो और दुखी होते रहो और चार गति में रुलते रहो। व्यर्थ में कोई मतलब नहीं है, दुख है ही नहीं है। संयोग सारे चक्रवर्ती जैसे मिले हो, उनसे कोई दुख का संबंध नहीं है, संयोगों से दुख का कोई संबंध नहीं है और आत्मा के स्वभाव से दुख का कोई संबंध नहीं है। स्वभाव में दुख नहीं, संयोग में दुख नहीं, ये दुख कहां से आ गया? ये दुख कहां से आ गया? ये दुख कहां से आ गया? दुख संयोग को अपना मानते रहो और अपने को भूलते रहो, इस भूल में से दुख आ गया। और ये सुख कहां से आ गया? ये संयोग को संयोग जानकर भिन्न मानते रहो और संयोग से भिन्न अपने स्वभाव को अपना जानते रहो, मानते रहो और स्वभाव को ही देखते रहो और देखते देखते केवल ज्ञान को प्राप्त करके छुट्टी पाओ। ये विधि विधि है। अब ये चित्र में बैठे तो अपना काम बन गया, बहुत छोटा सा काम है। उपयोग को संकोचने की बात है। एक चूहा निकल आए और उसे बिल्ली की गंध आ जाए तो क्या करे बताओ? बड़ा परेशान हो गया वो, तो बहुत बड़ा उपसर्ग हो गया उसके ऊपर। अब चूहा क्या करे? उसकी तो मौत आ गई कि मौत काहे को आ गई? बिल में घुस जाए। जो चूहा बिल में घुसा तो चूहा मुस्कराने लगा कि चलो भैया छुट्टी भाई, अब आ जाए कोई माई का ला लिया। एक कछुआ बाहर निकला और लोग डंडे मारने लगे। कछुआ ने सोचा अपने खुद गलती करी, निकले क्यों बाहर अपन? क्योंकि बाहर तो सब मोही बैठे हैं डंडा मारने, अपने अपन नहीं गलती की, अपन बेकार निकले। और फट से नीचे तल में पहुंचता है और तल में पहुंच करके प्रतिज्ञा करता है कि मर जाएंगे अब, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि बाहर निकले हो डंडे पड़े, हम नहीं निकलेंगे बाहर। अरे देख तो आओ, मैंने लिखा है कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन। और हम भाई घूर घूर के देखते हैं और पुलिस वाला पकड़ता है। क्यों साहब देखने में क्या तकलीफ? कि हम बताते हैं तुम्हें देखना कि सामने क्या लिखा था कि नो एडमिशन। तुम पर्दा हटा हटा के क्या देख रहे हो? घूर घूर के क्या देख रहे हो? वहां बहने बैठी हैं, लिखा था बाहर नो एडमिशन। चलो पुलिस में कोतवाली में जहां लिखा होता है कि अंदर आना मना है, वही हमारा मन में चलता है बार बार। और जिनवाणी ये कह रही है कि बाहर आना बिल्कुल सख्त मना है और अंदर जाना बहुत जरूरी है, वही अंदर हम भूलते हैं और बाहर को घूरते हैं और डंडे खाते हैं। व्यर्थ की तकलीफ है। कोई तकलीफ का तकलीफ किस बात की है जी? 24 घंटे चित्त प्रसन्न रखो। अरे पंडित जी आप चित्त प्रसन्न दिख रहा है, हमारे पास तो एक टाइम भोजन को है। अरे एक टाइम भी नहीं हो तो अभी चित्त प्रसन्न रहे। जिन्हें अंतराय चलते हैं 6-6 महीने के, उनका चित्त कैसा होगा बताओ? 6 महीने के बाद के बाद 7 महीना अंतराय चल रहे हैं जिन पहले तीर्थंकरों को, उनका चित्त कैसा होगा मालूम है? आदि आदि पुराण पढ़ो तो क्या लिखा है उसमें? उसमें ये लिखा है कि 7 महीने के अंतराय में आखिरी दिन था, उसके एक दिन बाद आहार हुआ श्रेयास जी के। वो जो आखिरी दिन था तो आदिनाथ जी लौट के आ रहे कि अंतराय हो गया, 7वां महीना आखिरी दिन था, माने 13 महीना हो गए, 6 महीने का तो बात था। और बाहर आचार्य कहते हैं आदिनाथ जी का चेहरा ऐसा दिख रहा कि फोटो खींचो तो ऐसा लगे कि चक्रवर्ती के यहां खीर का आहार हुआ है, चक्रवर्ती के यहाँ खीर का हाल हुआ है, आदिनाथ जी का है। देखो चेहरा कैसा खिल रहा है और अंतराय हुआ है। क्या मतलब है? अरे 24 घंटा कोई कमी हो तो बताओ कि साहब ये कमी है कि ये बंद मिर्दा है। बंद है कहाँ? तुम जहां बंद देखते हो तुम्हारी दृष्टि गलत है। नजर फेर दो, तुम कैसे फिरती है उसकी विधि अपनी चल रही है, प्रारंभ है, बहुत शांति का काम है। विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाहरी सामग्री एक आत्म स्वभाव को छोड़कर जितने सारे संयोग आदि हैं उनमें इस तरह अनिष्टपना मानता है। सुख के लिए अन्यथा उपाय करता है, 51 पेज। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, श्रद्धा अन्यथा कल्पना करता है। इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। इन सब का
जगत में जितने निगोद से लगाकर नौवे ग्रह तक जाने वाले जितने दुखी हैं, इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन, गलत अभिप्राय, मलिन अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय है। बस छुट्टी। एक निर्मल अभिप्राय में शांति की धारा बहने लगती है। एक निर्मल अभिप्राय जो चारों गतियों में जीव करते हैं, सातवें नरक का नारकी निर्मल अभिप्राय कर देता है मलिन देह के बीच में रहकर। बताओ आप, कमाल है। सातवें नरक का नारकी जानवर की पर्याय वाला जीव अपना निर्मल अभिप्राय कर लेता है सम्यक प्राप्त करके। 8 बरस का बच्चा निर्मल अभिप्राय करके निर्मल केवल ज्ञान को प्राप्त करता है संयम धारण करके। 8 बरस का बच्चा, 8 बरस का बच्चा कोई मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। भाई 8 बरस का बच्चा डॉक्टर कहां से बनेगा, वकील कहां से बनेगा, इंजीनियर कहां से बनेगा? और दृष्टि फेर करके संयम धारण करके भगवान बनता है। अनेक भगवान 8-8 बरस के छोटे छोटे राजकुमार 3.5 हाथ के श्रद्धालय में विराजमान है। 125 धनुष बाहुबली जी से कोई ऊंचे नहीं और 3.5 हाथ से नीचे नहीं, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान श्रद्धालय में विराजमान हो गए। 8 बरस के छोटे छोटे राजकुमार, छोटे छोटे राजकुमार जो LLB नहीं, डॉक्टरी नहीं, इंजीनियरी नहीं, एक आत्मज्ञानी ध्यानी है। इसका अर्थ क्या निकला? ये बहुत दुनिया में सबसे काम सरल है, सबसे सरल अगर 3 लोक में कोई काम है तो वो है मुक्ति की प्राप्ति। कारण बताओ, कारण ये है कि पानी गर्म करना है तो माचिस लाओ, तेल लाओ, सिगड़ी लाओ, कोयला लाओ, फिर गर्म करो। और ठंडा करना है तो ठंडा करना है तो उठा के एक तरफ रख दो आगे से, फिर क्या करें, उसके हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप ठंडा हो जाएगा। आग से हटा दो कि जल्दी ठंडा करना हो कि पंखा बता दो। हम भी पंखा बता रहे हैं, हमारा पानी और गर्म हो रहा है। हमने भी बहुत मजदाक भावनाओं का पंखा बताया, 16 कारण भावनाएं भाई, पूजाएं की और आत्मा गर्म का गर्म क्यों कहते हो? कारण बताओ। कारण ये है कि वो पानी को आग से तो हटाया नहीं है, पंखा बता रहे हैं। क्या मुसीबत है, समझ में नहीं आता, बेकार का जी कौन सा चक्कर पड़ गया, कौन ने पागलपन भर दिया इसको, कौन ने सिखा दिया ये उल्टी उल्टी बात है? कितने भाग्य से ये चीज मिल गई अपने को, जो तमाशा, खेल तमाशा बच्चों का, कुछ भी नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वो मुक्ति पाना, जेब में 1 रुपया नहीं है, संसार से छुट्टी हो रही है। अरे वाह, ये बढ़िया था धर्म। अरे धर्म क्या था, है धर्मी अंदर बैठा है, उसकी दृष्टि में धर्म प्रकट होता है। धर्मी को भूलते रहो, कर्म से मनते रहो, धर्मी को पहचानते रहो, धर्म में सुखी होते रहो और जीवन में मुक्ति को पाते रहो। इतना सरल काम समझ करके उसे टालने का नहीं है। हमारी जो गलतियां होती हैं उन्हें थोड़ा दूर रखने का है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बाहर में निवृत्ति चाहिए, बाहर से निवृत्ति कम से कम। अगर थोड़ा निवृत्ति नहीं है, कुछ गुरुदेव के टैप अपन सुनते हैं, 2-4 कलाक स्वाध्याय जोइए। अब 4 कलाक स्वाध्याय कैसे जोइए जब निवृत्ति नहीं होगी तो? ये बात सुनने के बाद हमारा जीवन बदल जाए। अगर जिनवाणी हमसे ये कहती है तुम्हारे पास चक्रवर्ती की संपदा है और बाहर में सारी अनुकूलता है, तो भी वो अनुकूलता और वो संपदा तुम्हें सुख नहीं दे सकती। अगर ये बात जिनवाणी ने कही तो अब हम 2 नंबर 3 नंबर झूठ सच दुकान पे ये वो दुनिया भर का दनफन करके सारा पाप कर्म बांध करके क्या करें, बताओ आप व्यर्थ में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पंडित जी काम तो पैसे से ही चलता है। बात तो ठीक है आपकी, काम तो पैसे से ही चलता है, बहुत मुसीबत के काम है। और सारे ज्ञानी कह रहे हैं कि हम पैसे को लात मार के आए। इंदौर के कांच मंदिर में बहुत सेठ साहब के जमाने में, सर सेठ हुकुमचंद जी के जमाने में 10 लाख संत परिवर्तन में सारे विद्वानों की गोष्ठी बैठी
और सेठ साहब ने कहा कि यहाँ एक दोहे की लाइन है इस कांच मंदिर में इंदौर में, इसमें क्या लिखाया जाए, सब विद्वान निर्णय करके चतुर्दशी को घोषणा करें कि ये लिखवाओ यहाँ। मैं वो लिखवा दूंगा, सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर वाले। सब विद्वानों ने निर्णय करके कहा सेठ साहब ये दोहा लिखवाओ यहाँ, अभी लिखा है, जब आप जाओ तुम देखना। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग काग भीत समकिनत हैं सम्यक दृष्टि लो। सेठ साहब ने लिखवा दिया, दरवाजे के सामने लिखा है, सारे विद्वानों ने निर्णय करके दे दिया। अब ये बताओ कौए के विस्तार, अरे और कोई भी बात कहते तो कुछ ठीक थी, जरा सोचने की बात है, टालने की नहीं है। आप ये कहो अरे अब तो ठीक है, अब तो हम नहीं कमाएंगे तो दो घंटा दुकान पर बैठेंगे, तो दो घंटा बैठो तुम दुगने आमदनी होगी। तुम रोकने वाले कौन होते हो, उस पुण्य के उदय को तुम रोकने वाले कौन होते हो? नहीं हम तो 12 घंटा बैठेंगे इतनी आमदनी होगी, और 12 घंटा बैठोगे तो उतना ही नुकसान होगा, तुम नुकसान रोकने वाले कौन होते हो? वो सारी जिम्मेवारी उदय ने ले रखी है, दो रोटी मिलना है तो उदय से मिलना है, नहीं मिलना तो उदय से नहीं मिलना, और तुम्हारी सारी शांति की जिम्मेवारी तुम्हारी है, उदय से कोई मतलब नहीं है, उदय उदय में है। बिल्कुल सीधा काम है, चित्त में बसा करके लौट देना चाहिए नजर को, नजर लौटने की बात है और कुछ नहीं है, सारा खेल नजरों का है। पूरे शिविर में एक ही बात बताई जाएगी, कोई भी विद्वान का प्रवचन चले नजर फेर दो। नजर कैसे फेरे, कि जिन नजरों में संयोगों की महिमा बसी है, जिन नजरों में विभाव पुण्य पाप की महिमा बसी है, वो नजर में स्वभाव की महिमा बस जाए, जीवन सफल। हमारा शिविर तो सफल हो गया भैया, हमने छुट्टी हो गई, क्या बात हो गई, अरे हमारी नजर फिर गई, नजर फिर गई तो काम हो गया, नजर नहीं फिर महिमा भई की महिमा है। और अरे बहुत आनंद आया जी, बहुत मजा आया, सब जगह के लोग आए थे, कुछ कल्पना नहीं था, बहुत आनंद आया। अब क्या आया, अरे ये मत पूछो बहुत आया, ये फालतू बातें हैं बेकार सी, दम वाली बात तो ये है कि नजर फिर गई, मुंह फिर जाए, विभाव की तरफ से मुंह फिर जाए, स्वभाव की तरफ लग जाए, कर्म के तरफ से फिर जाए, धर्मी के तरफ लग जाए, संयोग से फिर जाए, स्वभाव की तरफ लग जाए, इतनी सी बात है। इधर देखो देह के तरफ से तो सारा गंदगी गंदगी भरी है, सारा मलमूत्र भरा है, इधर देखो तो, और इधर देखो तो सारा सुगंध ही सुगंध का भंडार भरा है। हमारी इधर देखने की ऐसी आदत है कि इधर से इधर पलटती नहीं है नजर, क्योंकि वो गंदगी में ही हमें इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि अगर हमसे कोई कहे कि तुम यहाँ गंदे में क्यों रह रहे हो, यह तो गटर है, गटर में तुमने मकान बना रखा है, झोंपड़ी झोंपड़ी बना रखी है, चलो हमारे महल में रहना। अरे तुम्हारे महल में क्या रहे हैं, जो आनंद वहां है वो महल में क्या आएगा, बोलो। सारा दिन भर गटर की बदबू आती रहती है, आपका निकलना मुश्किल है, आप निकलो तो। और वो आदमी जो वहां रह रहा है वो इतना उसमें मस्त हो गया है, इतना मस्त हो गया है कि वहां से हटना नहीं चाहता। महल में ले जाने की आप बोल रहे हो, हमारे नीचे रहना कमरे में, महल के नीचे। और एक काय को इस गंदगी में रह रहे हो, अरे गंदगी यहाँ आनंद आ रहा है, लो बोलो, गटर में ही आनंद आने लगा, अब यहाँ यहाँ क्यों देखे। ये हालत है, बिल्कुल बहुत सरल। चलो इन सबका मूल कारण, इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है, एक गलत अभिप्राय, गलत श्रद्धान, गलत प्रतीति, गलत विश्वास। तुम्हारा विश्वास गलत है, तुम्हारी श्रद्धा गलत है। इस श्रद्धा की कीमत कितनी होगी, 45 बरस पूज्य गुरुदेव ने एक नजर फेरने के लिए पूरा जनागम का अध्ययन 19-19 बार समय सार का स्वाध्याय कराया, एक नजर फेरने के लिए। क्योंकि नजर नहीं फेरे तब तक कुछ काम नहीं है। यदि भी रहा न्यू में नहीं जाता, न्यू आपकी भर गई, मकान नहीं बना तो न्यू में रहने की जगह नहीं होती, रहते तो मकान में ही हो, महल में ही है, लेकिन वो महल न्यू के ऊपर खड़ा है, वो न्यू दिखती नहीं है, जो नहीं दिखती उसके ऊपर पूरा महल खड़ा है। अगर वो न्यू डगमगाने लगे तो महल का क्या होगा,
ऐसे ही यहां हमारे आचार्य कह रहे हैं कि चारित रूपी जो महल है जिसमें अनंत काल तक स्वरूप में मग्न होकर के रहना है, वो प्रतीति पूर्वक प्रवृत्ति करके जीवन को सफल करो। ये प्रतीति को तुमने बनाया और प्रवृत्ति तुम्हारी शुरू हो गई। दुनिया में कहीं रहो, अब चिंता नहीं है भैया, वहां चलो वहां आनंद है, शिखर जी में जाकर बैठ जाओ, वहीं रहने लगो, वहीं आनंद है। अरे तुम्हारी शिखर जी यहाँ है, यहाँ आनंद है, ये समझ लो पहले। शिखर जी में अनंतवार जन्म हो गए, अनंतवार गन्ना जी में जन्म हो गए, इस लोक काल का एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ अनंतवार जन्म और मरण ना हुआ हो। केवल जन्म मरण रहे, स्वभाव एक ऐसा है कि जहां हम रहे नहीं इसलिए जन्म मरण चालू है, मूल पॉइंट है। चलो घड़ी तो आपकी बहुत तेज है, दो मिनट में समाप्त कर रहे हैं, शांति से चलेगा और धीरज से चलेगा। देखो जल्दी वाला काम तो मेरे पास है नहीं है, क्यों जल्दी जल्दी में हल्दी का रंग खराब हो जाता है सब। जल्दी करो जल्दी करो, अब जल्दी क्या करो, तो शांति का काम है। एक नजर फिरी छुट्टी, आपने इधर देखा, जो इधर की खुशबू आई तो आपको ही कहे अरे ये देखो, के बात मत करो, अरे वहां चलो वहां चलो वहां चलो। तो आपको परमात्मा ने ये बता दिया कि सुनो, ये केवल ज्ञान हमारे पास है, इसमें तीन काल तीन लोग एक समय में जानने देखने में आ रहा है, और कान खोल के सुन लो कि तीन लोक में कोई देखने लायक और दिखाने लायक नहीं है। देखने लायक और दिखाने लायक एक अपना क्या एक स्वभावी आत्मा है, इसके अलावा तीन लोक तीन काल में कोई दिखाने लायक नहीं, देखने लायक नहीं। किसी को देखने की बात बताओ तो अपने स्वरूप की बताना, वहां चलो उन्हें देख लो, उन्हें देख लो, अरे उन्हें क्या देख लो, इसे देख लो, यहीं बैठ के सब दुनिया में चले जाओ, अपने घर को भूल करके जहां जाओगे परेशान रहोगे, और अपने घर में बैठोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और मुक्ति तुम्हारे हाथ में हथेली में आ जाएगी। बिल्कुल सीधा काम है, चित्त में बैठे तो अपना काम बन गया, नहीं बैठे तो चक्कर तो खाने का है, ये काम व्यर्थ में है, व्यर्थ में। सही समझ कर लूं, शांति से सवेरे से चल रहा है शाम तक रात तक, सबका प्रयोजन एक ही है। भगवान कुनकुंडाचार्य के वचन है, चारों अनुयोगों का, सारे द्वादशांग का एक प्रयोजन वीतरागता प्रकट करना, और वो वीतरागता वीतराग स्वभाव के आश्रय से होती है, बड़ी तीसरी बात है। वीतरागता प्रकट करना पर्याय में होता है, और वो वीतरागता का आधार क्या है, वीतरागी स्वभावी आत्मा। आत्मा वीतरागता से भरा है, भरे हुए को नजर में लिया कि वीतरागता प्रकट हुई, भरे हुए को देखते रहे कि वीतरागता बढ़ती रही, और 48 मिनट संयम धारण करके वो देखते ही रहे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये विधि है, बिल्कुल सीधी विधि है, इसको बार 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 चिंतन करो, बार बार चिंतन करो। जितना चिंतन अंतर्लक्ष होगा उतना जीवन का आनंद आएगा, आनंद आएगा। ये 11-11 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े भगवान कुनकुंडाचार्य उमा स्वामी आचार्य दीक्षित हुए, और 95 वर्ष तक उनकी देह छूटी कुनकुंडाचार्य की समाधि पूर्वक। तो जरा विचार करो कि 11 वर्ष में दीक्षित हुए और 95 वर्ष में देह छूटी, तो 84 वर्ष तक ये आहार पानी की व्यवस्था कौन ने की, समझाओ हमें। 84 वर्ष 11 वर्ष में तो दीक्षित हुए और घर से निकल गए, अब निकल गए तो नग्न दिगंबर हो गए, मुनि हो गए, उसके बाद आचार्य हो गए, 95 वर्ष में समाधि हुई। तो 84 वर्ष तक आहार की व्यवस्था कौन ने की, श्राव कौन ने की, अरे श्रावक का करेंगे, उदय ने की। सारा संयोग जीवन मरण लाभ हानि अच्छा बुरा दुख सुख जो भी बाहर में होता है वो सब उदय के अनुकूल होता है। 3:45 तक है, चलो 15 मिनट और हैं, अपन शुरू ही कर दें, बहुत बढ़िया है, आनंद का काम है भैया। प्रसन्न रहो 24 घंटा, प्रसन्न रहो। जहां तकलीफ होना, जहां कभी तकलीफ महसूस होना, आकुलता होना, एक मंत्र है छोटा सा, क्या मंत्र पंडित जी, कोई आकुलता अगर हो रही है तो निराकुलता से शांति होगी। बिल्कुल सीधी बात है कि नहीं, आप बताओ मुझे। आकुलता से अगर दुख मान रहे हो आप, बड़ी आकुलता हो रही है, बड़ी आकुलता हो रही है, तो निराकुलता से शांति होगी। अरे हम तो राग देश से बहुत परेशान है, हम तो विभाव से बहुत परेशान है, परेशान क्या घूम रहे हो,
आप घर के बाहर बैठे हो और बड़ी धूप लग रही है और पसीने में तर हो रहे हो, पंडित जी मरे जा रहे हैं, अरे मरे क्या को जा रहे हो, बगल में एयर कंडीशन है, नीचे जरा खिसक जाओ पीछे, और पीछे खिसके क्यों भैया, अरे पंडित जी आनंद ही आनंद आ गया, जरा से खिसकने का काम है। यहाँ तो बाहर तो, बाहर तो गर्मी है ही भैया, यहाँ अंदर ठंडक है ही, अंदर कैसे जाया जाता है, ये सब अपन प्रैक्टिकल समझेंगे। चार पांच दिन, पांच छह दिन है, शांति से पूरा आनंद लेंगे, चल ही रहा है सब। चलो, इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है, उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल ये मिथ्या दर्शन है। इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तो उपाय क्यों करे। आइए अब अपना ये 80 नंबर का पेज चलना है, 15 मिनट बाकी है, 80 नंबर का पेज ये प्रकरण चलेगा। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, क्योंकि सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। तो वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए श्रद्धान का वर्णन श्रद्धान के तरफ से नहीं, जानने के तरफ से करते हैं। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, दौलतराम जी की छेडाला की लाइन याद करो, बिन जाने तें दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, बिना जाने दोषों को छोड़ोगे कैसे और गुणों को ग्रहण कैसे करोगे। अब ये पॉइंट शुरू हुआ अपना, एक शब्द का भाव चित्त में बैठे ना, पूरा मोक्ष मात्र कर सक नहीं, द्वाद संग बैठ गया। एक लाइन, एक शब्द, देखो पहला शब्द क्या है, अनादिकाल से जीव है, अनंत जीव है, उनको छोड़ो, हम तो अपनी बात करो, आप अपनी बात करो, अनादिकाल से जीव है, मैं कब से हूं, मैं कब से हूं, ये मनुष्य पर्याय कब से है, ये तो 70-80 वर्ष से है, ये कब तक रहेगी कि क्या मालूम, अगले क्षण रहेगी कि नहीं रहेगी, और मैं कब से हूं कि अनादिकाल से हूं, और मैं कब तक रहूंगा कि अनंत काल तक रहूंगा। अब एक अनादि अनंत मानने में कितनी समस्याएं तो हल हो गई, 24 घंटा मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, ये अनंत काल से रटते रटते मरे हैं नहीं है, बैठे यहां है, बोलो बाप, मरना मरना चिल्ला रहे, अभी मरना क्यों हो रहा है, क्यों आकुलता हो रही है, देह में एकत बुद्धि बैठी है। अब ये मरने की चिंता ज्ञानियों को क्यों नहीं होती, मरण का भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, कहां जाएंगे अपन, अपना क्या होगा, अरे कहीं जाए अपन तो अपने में रहेंगे तो सुखी हैं, और कहीं जाए स्वर्गों में जाए और अपने को भूल करके रहे तो स्वर्गों में भी धक्के खाओ, दुखी रहो, इतनी सी बात चित्त में बैठने की है, दुनिया में कहीं रहो अपने को भूल के मत रहो, सब जगह आनंद ही आनंद है, तुम नरक के नारकी को आनंद है, राजा श्रेणी के यहां से देह छोड़ के गए, पहली पृथ्वी में है आज, तो क्या ले गए, दात पाट छोड़ गए, रानियां छोड़ गए, सोने का महल था वो छोड़ गए, साथ क्या ले गए, के साथ जो उनने कमाया था वो ले गए, क्या कमाया था, छायक सम्यक दर्शन, छोपसम सम्यक ज्ञान, छोपसम चारित्र, ये उनने कमाया था, ये साथ में ले गए। अनंतान मंदिर छह की एक छोटी सी कनिका वितरागता की, ये साथ में ले गए नरक में अपनी आत्मनिधि को, और 84,000 वर्ष तक वो सुरक्षित रहेगी, और बाहर में डंडे पड़ रहे हैं, बाहर में नरक में रह रहे हैं, नपुंसक लिंग है, पापियों के बीच में रह रहे हैं, पाप कर्म के उदय में रह रहे हैं, और शांति की धारा बह रही है, और 84,000 वर्ष के बाद वो निधि लेकर निकलेंगे या तीर्थंकर रूप में अवतरित होंगे, और उसी निधि स्वरूप में अपनी संयम साधना करके 116 वर्ष में 5 कल्याण अक्षर गुजर के पंचम भाव को एकाग्रता करके पंचम गति में प्राप्त करके पंच परमेश्वरी पद में मिलके और पंच प्रकार के कर्म बंध को तोड़ करके मुक्ति पाएंगे। ये लाइन बताओ आप, बिल्कुल कितनी सीधी लाइन है, बाहर में बहुत अनुकूल संयोग हो, भ्रांति छोड़ो, मिथ्या दर्शन करते भ्रांति, तुम्हें बहुत भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है, बाहर में बहुत अनुकूल संयोग हो, कभी सुख की कल्पना मत करना, बाहर में बहुत पाप कर्म का उदय हो, कभी दुख की कल्पना मत करना, कभी दुख की कल्पना मत करना, बाहर में बहुत प्रतिकूल संयोग हो, तुम्हारे लिए प्रतिकूल नहीं है,
वो तो पाप कर्म का उदय है और पाप भाव से बंधा है, इसलिए उसे प्रतिकूल कह देते हैं। सचमुच में वो आत्मा को न प्रतिकूल है और न वो बाहर की अनुकूलता अनुकूल है। अनुकूल परिणाम जीवन में शांति देने वाला है, प्रतिकूल परिणाम वो शांति देने वाला है। हर क्षण अशांति, छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती अशांति में है, बड़े बड़े सोहम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त जैसे बहुत अशांति में है, और सातवें नरक का नार की प्रतिकूल प्रसंगों में भी अनुकूल परिणाम से शांति में है। अरे दे दे दे, क्या कह रहे पंडित जी, क्या कह रहे हो आप? अरे क्या कह रहे हैं, जनवाणी बोल रही है। एक कैसे आनंद की बात, चक्रवर्ती की संपदा होने पर भी स्वरूप को भूला हुआ चक्रवर्ती, भोगों में रमा हुआ चक्रवर्ती परिणाम से सातवें नरक में है। गति से मत देखो, मति से देखो, क्योंकि अगली जो गति मिलना है वो वर्तमान की मति से मिलेगी। अगर मति व्यवस्थित है तो अगली गति की चिंता छोड़ दो, और मति अव्यवस्थित है तो चिंता ना करो तो भी तुम्हें बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी मति अव्यवस्थित है। दुनिया की व्यवस्था की चिंता छोड़ दो, अरे मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, अरे जो होना है वो होगा, न तुम्हारे से अभी होता न बच्चों से होता, जो होने योग्य है वो होता है। सब चिंता छोड़ दो, पूरे घर द्वार की अपनी चिंता करके अपना चिंतन करो। 24 घंटा, इनका क्या होगा पंडित जी, इतने सारे रुपया मैंने कमाए हैं, बहुत मैंने पाप किया है, मैं चाहे नरक चले जाऊं, बच्चे को सुखी करके जा रहा हूं, भूल में मत रहना कि बच्चे को सुखी करके जा रहा हूं। पंडित जी 50 करोड़ रुपए इकट्ठे दे के जा रहा हूं, पाप का उदय होगा, मट्टी में चले जाएंगे 50 करोड़, और पुण्य का उदय होगा, तुम्हारे 50 करोड़ नहीं 500 करोड़ अपने कमाएगा विदेश में जाके। तुम कहां चक्कर में पड़े हो, चाहे कह रहे हैं क्यों बेकार परेशान कर हो रहे हो, तुम्हारी मर्यादा कितनी है, द्रवगुण पर्याय से बाहर निकलने की है नहीं है, ना अनंत काल में नहीं निकले, एक समय का परिणाम तुम्हारे हाथ में है, उसे अच्छा कर लो बुरा कर लो, खोटा चोखा दोख शोक जो कुछ करना है वो एक समय का परिणाम तुम्हारे हाथ में है, फिर अगले समय का है, फिर अगले समय का है, बाहर में एक संयोग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें अत्यंत अभाव है। सारी इच्छाएं मर जाएंगी, चिंता छोड़ दो। क्यों मर जाएंगी, कि तुम्हारे पास एक मंत्र आ गया जनवाणी का, जब इच्छा है तब संयोग नहीं, जब संयोग है तब वो इच्छा नहीं। बेटा एक गिलास पानी लाना, पंडित जी एक मिनट में आता है पानी, वो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक सेकंड में असंख्या समय होते हैं, जब इच्छा थी तब पानी कहां था, और जब पानी आया तब इच्छा कहां है, तुमने कहा बेटा वहां रख दो पानी, अभी जरूरी काम कर रहे हैं, अरे तो बाबू जी आप पानी मंगा, अरे मंगा रहे थे जब था कहां, ये मंत्र चित्त में आए, अरे यार कुछ दम नहीं यार, इस विकल्प में कोई दम नहीं, बेकार का फालतू जे करो, जे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अरे तुम फालतू क्यों करोगे, अकर्ता स्वभाव की दृष्टि बनाओ, कर्तत्व को तोड़ो और छुट्टी पाओ। तो बात कह रहे हैं, बहुत शांति का काम है, धैर्य का काम है, जल्दबाजी वाला काम नहीं है। बार बार आपकी चिंतन धारा सही चलना चाहिए। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में एक ही बात है, कि मिथ्या दर्शन में जितने विचार चलेंगे वे सब उल्टे उल्टे चलेंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक जितने विचार आपके होंगे वे वस्तु स्वरूप के अनुकूल सीधे सीधे विचार होंगे। सीधे विचारों से जगत में जीव सुखी है, उल्टे विचारों से जगत में दुखी है, और जगत में दुख सुख नाम की कोई चीज नहीं, कोई चीज बैठा नहीं है दुख जो चला आ रहा है, सुख बैठा नहीं है जो चला आ रहा है, अपने ही सम्यक विचारों में शांति है और अपने ही विपरीत विचारों में शांति है। विपरीत विचार करते रहो और दुखी होते रहो, अरे इनका तो बड़े भैया का तो ये तो करोड़पति बन गए, हम तो हजार ही रुपया नहीं है, इनका नाश ही हो जाए, इनके करोड़ नुकसान हो जाए, खूब सोचते रहो और उनका पुण्य का उदय होगा तो 50 करोड़ हो जाएंगे, और तुम्हारा पाप का उदय होगा तो 1000 भी चले जाएंगे, सोचते रहो। तुम्हारे सोचने का तुम उल्टा दिमाग कर रहे हो, अरे बाहर में विकल्प करने की जरूरत नहीं है, आ जाए तो तत्काल तोड़ दो। कैसे तोड़े पंडित जी, एक लाइन याद रखो, मेरी भावना की अंतिम, मेरी भावना की अंतिम लाइन, बस तो स्वरूप विचार खुशी से सर्व दुख संकट, संकट नाम की कोई चीज नहीं है, वस्तु के स्वरूप का विचार अगर है तो
और नहीं है तो उल्टे विचारों से सब संकट 24 घंटा है भैया। अनादिकाल से जीव है, हम अनादिकाल से हैं, क्या करते आ रहे हैं बताओ, कि वो कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। एक पर्याय नहीं, कर्म का तो निमित्त बताया, हमारे उल्टे अभिप्राय से हम धारण कर रहे हैं, ये हमारा उपादान उदय उसमें कर्म का निमित्त, अनेक पर्याय धारण कर रहे हैं, एक इंद्री दो इंद्री तीन चार संयोगों में नाना प्रकार के पर्याय धारण कर रहे हैं, पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। लो बोलो, एक लाइन उतर जाए, दो मिनट में हम लाइन ले रहे हैं ताकि आपके चित्त में बैठ जाए और आप सोचते सोचते जाए। पूर्व पर्याय छोड़ करके हम यहाँ आए हैं, ये बात पक्की है, भाई कहीं थे छोड़ी है जब यहाँ धारण की है, तो पहले की पर्याय में हम कहां थे और जहां भी थे वहां हमारे कैसे परिणाम थे, कि हमने जीवन में जहां भी थे चारों गति में कहीं भी थे हमने बहुत मायाचारी का भाव नहीं किया, मिथ्या दर्शन तो था लेकिन मायाचारी का बहुत भाव नहीं किया। कैसे पहचाना पंडित जी, कि अगर किया होता तो ढोर बनते, हमने बहुत आरंभ परिग्रह नहीं किया, जोड़ो 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 जोड़ो, अगर ऐसा भाव चलता तो नरक में नारकी बनते, हमने बहुत विशुद्ध परिणाम नहीं किया, यदि किया होता तो देवगति में होते, हमने अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का परिणाम किया तो मनुष्य गति में और भावना भाई तो उत्तम कुल में और उत्तम संयोग में हम आ गए। अब हमें क्या करना, जो गलती पहले नहीं की वो गलती तो करना ही नहीं है, बहुत आरंभ नहीं किया तो वो तो करना ही नहीं है, बहुत मायाचारी नहीं की तो वो तो करना ही नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं किया तो वो तत्काल करना है, अनंत काल में एक काम बाकी रहा है, केवल स्वरूप की दृष्टि नहीं बनाना, अगर ये दृष्टि बनती तो यहां नहीं पैदा होते, पंचम काल में पैदा ही नहीं होते, अगर पिछली पर्याय में हमारी स्वरूप दृष्टि बनी होती तो। ये कहां लिखा है, अब लिखा तो सब जगह है, जी मत पूछो, आपको नहीं मिले तो फिर पूछना कि कहां लिखा है स्वरूप दृष्टि बन जाती तो पंचम काल में पैदा ना होते, राजघराने में तो होते, अरे राजघराने में कहां होते, पंचम काल में ही पैदा नहीं होते अगर स्वरूप दृष्टि बनी होती तो, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित जीव या पंचम काल में पैदा नहीं होता, सम्यक दर्शन और संयम तो पंचम काल में होता है, पंचम काल में संयम वाला और सम्यक दर्शन वाला पैदा नहीं होता, और एक बार नजर फिर जाए तो अगर प्रमाद भी रहे तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमते रहे तो अभी गारंटी जिनवाणी ने दे दी कि तुमने एक बार अनंत ज्ञानियों की आज्ञा मानकर अंतर्मुखी स्वरूप दृष्टि की है, तुम्हें प्रमाद भी आ गया तो चिंता छोड़ दो, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर मुक्ति चले जाओगे, गारंटी। और अगर ये विपरीत अभिप्राय बना रहा तो ये हमारे प्राण लेता रहेगा, अनंत काल तक निगोद में घुमाएगा, फिर संयोगों की अनुकूलता दिलाएगा, फिर प्रतिकूलता दिलाएगा, और प्रतिकूल परिणमन से हम 24 घंटा बेचैन बने रहेंगे। जितनी बेचैनी निगोद से लगाकर नौवे ग्रह वक्त वालों को है वो स्वरूप दृष्टि नहीं होने के कारण अज्ञान से बेचैनी है, अज्ञान का ये ठेका है आत्मा के साथ, जब तक तुम भेद ज्ञान नहीं करोगे तब तक एक क्षण तुम्हें चैन नहीं मिलेगी, तुम रात घराने में सोने के महल में रह सकते हो लेकिन तुम सोने के नहीं बन सकते, सोने का महल ना हो तुम सोने के बन जाओ, श्रद्धालय में जाओ, सोने का महल तो छूट जाएगा, बिना सीख है कर्माधीन है पराधीन है, भोगने के भाव में पाप है और फल में नरक है, अब ऐसी गलती मत करना, बड़ी मुश्किल है, कैसे ख्याल में चित्त में बैठे बैठे तो लौट जाए, अरे इधर देखते रहो, सुगंधी सुगंध का भंडार है, सुगंध का इधर नजर फिरी के बदबू आई, इतनी बदबू है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, कुदरत ने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई है ज्ञानियों के लिए कि एक तरफ तो पूरा असुचि देह और एक तरफ पूरा सुची आत्मा, ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई है, इससे एकत्र तोड़ो और इससे करो, इससे एकाग्रता छोड़ो और इसमें एकाग्रता करो, इसमें अच्छे बुरे की कल्पना छोड़ो और इसमें अच्छे की कल्पना करो, दृष्टि करो, मैं इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। दो पॉइंट हुए, अनंत काल से हम हैं, अनेक पर्याय धारण करते आ रहे हैं,
एक छोड़ते हैं दूसरी धारण करते हैं, एक छोड़ते हैं दूसरी धारण करते हैं, क्यों करते हैं, ये बात अपनी आगे क्रम से चलेगी।